Dear learners, I am Dr. Gitanjali Bhatt Sharma from Commerce Department. In the previous session, we discussed the basic concept of economics. In this session, we will cover the topics, central problems of an economy, technique of production, solution to central problems of an economy. So basically, what are the central problems of an economy? Problem arising in the economic activities due to limited resources, having alternative uses and unlimited wants. Central problems economy mein kyun arise hote hain? Hamare resources limited hain, jinke alternative uses hain, but we have unlimited wants. Now, top three central problems of an economy. Economy ki top three central problems kaun si hain? What to produce, in what quantity, how to produce and for whom to produce. First of all, we will start with what to produce. सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो प्रॉब्लम है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस. दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सेलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ ईच सेलेक्टेड कॉमोडिटी. व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें इकोनॉमी को ये डिसाइड करना होता है कौन से गुड्स हमने प्रोड्यूस करने हैं और उनकी कितनी क्वांटिटी हमने रखनी है. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स आर कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. इकनॉमी ये डिसाइड करती है कि किस तरीके के गुड्स, कौन से गुड्स इकनॉमी में प्रोड्यूस होने हैं. लाइक कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? कंज्यूमर गुड्स आर द प्रोडक्ट्स परचेज बाय बायर्स फॉर कंजम्पशन. कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स हैं जो कि एक बायर अपने कंजम्पशन के लिए उसको परचेज करता है. इट कैन बी क्लासिफाइड एज ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स. कंज्यूमर गुड्स की भी दो क्लासिफिकेशन है, एक ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा नॉन ड्यूरेबल गुड्स. ड्यूरेबल गुड्स कैन बी यूज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स हैं जिनको हम एक लंबे समय तक के लिए यूज़ कर सकते हैं. वेयर एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर द गुड्स विच आर यूज इमिडिएटली, जो कि एक कंज्यूमर परचेज करता है और उसे इमिडिएटली यूज करता है. ड्यूरेबल गुड्स आपके हो सकते हैं फर्नीचर, मोबाइल. एनीथिंग कैन बी ड्यूरेबल गुड्स जो कि हम लंबे पीरियड के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक फर्नीचर. बट नॉन ड्यूरेबल को हमें कंजम्पशन इमिडिएट करना है, सच एज पैक्ड फूड, या फिर हम कोई फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स, तो हमें उनकी कंजम्पशन एज सून एज पॉसिबल करनी है. तो कंज्यूमर गुड्स की क्लासिफिकेशन टू कैटेगरी में, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल. नाउ मूविंग ऑन टू द कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स आर रिफर्ड टू एज अ फिक्स एसेट्स अ कंपनी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज. कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं कंपनी के जिनका यूज़ किसी और गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है. दीज गुड्स हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम फॉर सेवरल ईयर्स. कैपिटल गुड्स की लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा होती है रैदर देन कंज्यूमर गुड्स. कैपिटल गुड्स हैव डिराइव डिमांड. नाउ हाउ टू प्रोड्यूस. सेकेंड प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस. This problem refers to the selection of technique to be used for production of goods and services. How to produce एक ऐसी central problem है जिसमें हमें choose करना है economy को कौन सी technique use करनी है. Techniques, two types of techniques are there, labor intensive technique and capital intensive technique. Labor intensive technique is a technique where more use of labor rather than capital. जहाँ पे हम लोग मैन पावर का यूज़ ज़्यादा करते हैं इंस्टेड ऑफ कैपिटल, वो होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक. वेयर इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज़ अ टेक्निक वेयर द यूज़ ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट्स इज मोर. मशीन और इक्विपमेंट्स का यूज़ जब हम ज़्यादा करेंगे इंस्टेड ऑफ लेबर, देन इट इज़ कॉल्ड एज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. तो ये डिसाइड करना है कि विच टेक्निक शुड बी यूज, वेदर लेबर और कैपिटल. एग्जाम्पल ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक का एक एग्जाम्पल ये हो सकता है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट मैन पावर. और यू कैन से होटल इंडस्ट्री. होटल इंडस्ट्री और रनिंग अ रेस्टोरेंट वी नीड मैन पावर. फॉर कोल माइनिंग ऑल्सो वी नीड मैन पावर. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक. कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक सच एज ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ये पॉसिबल नहीं है विदाउट मशीनरी. सो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑटोमोबाइल्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. सो बोथ वी हैव टू डिसाइड वेदर टू यूज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक.
And the last one is for whom to reduce. Now this problem referred to the selection of the category of people who will ultimately consume the goods. For whom to reduce, last problem है center of economy की, जिसमें ये category decide करना होता है कि जो goods हैं वो किसके लिए बनाने हैं. Goods are produced for those who have paying capacity. Goods उनके लिए produce किए जाते हैं जिनकी paying capacity है. This problem is concerned with distribution of income among the factor of production. Now the solution to central problems of an economy. Central problem of an economy arise तो होती हैं, but उनके solution क्या हैं? Central problems of an economy के solution different हैं different economy में. सबसे first of all market economy. In this economy, the producers are free to take decisions regarding central problems. On the basis of the market forces, the producer make decision in the market. These decisions are, the producer will produce those goods which offer them high profit, and the producer will always use the technology which gives maximum efficiency with minimum cost. The producer will produce for those people who can afford to pay a high price. This is because high price brings high profit. So in market economy is also called free market economy. This is the solution of central problem in which the economy will decide according to the market forces. Jo market forces hai hamari economy mein, demand and supply are the two basic market forces. According to it, ye decide hota hai ki kaun se goods humne produce karne hain. So economy will decide which goods should be produced. Aur jo main isme motive rehta hai, the goods wohi produce kiye jate hain jinki हाई प्रॉफिट हो, जो जिनसे हमें हाई प्रॉफिट मिले. एंड टेक्नोलॉजी भी उस वही यूज़ की जाती है जिससे एफिशिएंसी मैक्सिमम हो बट कॉस्ट मिनिमम लगे. नाउ द नेक्स्ट वन इज सेंट्रली प्लान्ड इकनॉमी. सेंट्रली प्लान्ड इकनॉमी इज़ अनदर इकनॉमी. इट इज़ द इकनॉमी वेयर द इकनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाई द गवर्नमेंट और सम सेंट्रल अथॉरिटी. इस इकनॉमी में सारी जितनी भी अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट के पास है. इट मीन्स डेट द गवर्नमेंट इज़ फ्री टू टेक डिसीजन regarding central problems on the basis of social welfare. Government ये decide करेगी कि social welfare जिस चीज़ से है वो वाले goods उनने economy में produce करने हैं. These goods are, those goods and services would be produced in the economy which is regarded as the most useful for the society. The motive of government will be goods वही produce किए जाएँ जो कि society के लिए more desirable हैं और जो society के welfare के लिए. The government will select the technique that would be socially most desirable. Government उस technique को use करेगी जो ज़्यादा desirable है. The government will produce for the poorer section of society. The motive behind producing the goods will be for the welfare of the poor section. The government वो goods को produce करना चाहेगी economy में जो किसके लिए, poorer section of society के लिए. Now the last one is mixed economy. Mixed economy, it is the economy where the economic activities are governed by the market forces and regulated by the government. The market economy is dominated by both the public and the private sector. The decisions are taken both to maximize the profit and social welfare. The last economy is mixed economy. Mixed economy mein elements central economy ke bhi hain और द अनदर इकनॉमी दूसरी इकनॉमी के भी हैं. तो इस पर जो एलिमेंट इसमें प्रोसेस करेंगे सेंट्रल इकनॉमी एंड मार्केट इकनॉमी, बोथ द एलिमेंट्स ऑफ विल बी कंसिस्ट इन मिक्सड इकनॉमी. ओके, इट इज़ द इकनॉमी वेदर इकनॉमिक एक्टिविटीज़ आर गवर्नमेंट मार्केट फोर्सेज. गवर्नमेंट के रोल के साथ साथ सेंट्रली प्लान्ड इकनॉमी के एलिमेंट्स के साथ साथ इसमें मार्केट इकनॉमी के भी एलिमेंट कंसिस्ट होते हैं. So the market economy is dominated by both the public and private sector. In this economy, the public and private sector, both the sectors, the economy will decide according to it only. The decisions are taken both to maximize the profit and social welfare. इसमें जो economy का motive होता है profit maximization के साथ साथ social welfare भी होता है. So these are the three types of economy: centrally planned economy, market economy and mixed economy. Okay, thank you.